आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैन ऑफ द मैच तो बने केएल राहुल, फिर विराट कोहली को क्यों मिला गोल्ड मेडल। आईसीसी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने विनिंग आगाज किया और ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच में 200 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए महज 2 रनों पर 3 विकेट इंडिया ने गंवा दिए और इसके बाद कोहली और केएल राहुल ने मिलकर कंगारू की बैंड बजा दी। इस मैच में एक और बात सबसे अहम थी, वो यह थी कि टीम इंडिया ने फील्डिंग के दौरान ऐसी चुस्ती दिखाई हर कोई देखता रह गया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के दौरान भारतीय टीम मैच में सबसे अच्छे फील्डर को मैच के बाद सम्मानित करेगी। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया मैच खत्म होने के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम में ऐसा कुछ देखने को मिला। इस मैच में भारत के बेस्ट फील्डर चुने विराट कोहली और उसके लिए उन्हें गोल्डन कलर का मेडल दिया गया। विराट कोहली ने बच्चों जैसे उत्साह के साथ यह मेडल लिया और इसे मुंह में डालकर पोज भी लिया। इसका वीडियो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल BCCI ने टीवी पर शेयर किया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हेड कोच राहुल द्रविड़ कहते हैं कि दिलीप मेडल देंगे। फील्डिंग कोच ने दिलीप ने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का जिक्र किया, लेकिन यह अवार्ड विराट कोहली को सौंपा गया। दिलीप ने कहा, यह अवार्ड उसे मिलेगा जो सिर्फ अपना काम नहीं करता बल्कि बाकियों को भी इंस्पायर करता है। विराट कोहली जब इसके बाद मेडल लेने गए तो दिलीप उन्हें मेडल का डब्बा देने लगे, लेकिन विराट कोहली ने कहा कि उन्हें मेडल पहनाया जाए। इस मैच में विराट कोहली ने 85 रन बनाए थे जबकि केएल राहुल ने 97 रन बनाए थे और उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया था। क्रिकेट से रिलेटेड सभी जानकारी सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।